हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑक्टा ऑन द रोड में। आज फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ एक जानकारी शेयर करने वाला हूं कि जो आपकी पावर स्टीयरिंग है, तो पावर स्टीयरिंग जैसे मैं अपनी गाड़ी का जो अगर इंजन स्टार्ट कर दूं अभी, ठीक है, तो आप देखेंगे ये पावर स्टीयरिंग हो जाती है, मतलब इजी हो जाता है स्टीयरिंग को घुमाना, बहुत हल्की हो जाती है बिकॉज इट्स अ पावर स्टीयरिंग। अब किस केस में ये पावर स्टीयरिंग अगर हैवी हो जाए, और ये जो स्पीडोमीटर है, अगर मैं आपको स्पीडोमीटर दिखाऊं अपना, एक मिनट फ्रेंड्स, ये एक सेकंड, ठीक है, आप स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं, जब ये गाड़ी चल रही हो मेरी, ये स्पीडोमीटर है, और जब गाड़ी चल रही हो और ये स्पीडोमीटर की सुई जो है उठे ना, ठीक है, और स्टीयरिंग जो है हैवी हो जाए, ये जो स्टीयरिंग है आपका वो हैवी हो जाए, और ये सुई जो है, गाड़ी चल रही है उसके बावजूद भी ये जो सुई है ये उठ नहीं रही, ठीक है, और जो बेसिकली फ्रेंड्स सेंट्रल लॉकिंग होती है आजकल तो कार्स में, तो मैं दिखाना चाहूंगा ये जो सेंट्रल लॉक सिस्टम होता है या ये होता है, तो ये जो ड्राइवर साइड का सेंट्रल लॉक सिस्टम होता है, बेसिकली अगर मैं इसे लॉक कर दूंगा तो क्या होता है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको दिखा पाऊं तो ये लॉक, सारी डोर लॉक हो जाते हैं, ठीक है, तो स्पीड सेंसर लॉक वो होते हैं कि मतलब गाड़ी कुछ किलोमीटर थोड़ा जैसे ही स्पीड पकड़ दिया 20 की, 25 की, 30 की, तो क्या होता है ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं सारे दरवाजे, उसे कहते हैं स्पीड सेंसर लॉक, ठीक है। तो जैसे कि और ये स्पीडोमीटर आपने देख ही लिया है, ये देखिए जैसे अगर मैं आगे चलता हूं, ठीक है, तो ये सुई थोड़ी थोड़ी बढ़ती है और ये स्टीयरिंग हैवी हो जाए। अब मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ, अगर ये स्टीयरिंग हैवी हो जाए, ये आपकी स्टीयरिंग है, ये हैवी हो जाए, ये स्पीडोमीटर की सुई ना उठे, और ये लॉक जो हो जाते हैं अपने आप कुछ स्पीड पकड़ने पे, जो स्पीड सेंट्रल लॉकिंग है अपने आप नीचे हो जाती है, ये ना हो, तो आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले एक फ्रेंड्स इंजन में ना एक स्पीड सेंसर लगा होता है, स्पीड सेंसर, ठीक है, वो आप मान के चलिए 500 से 1000 रुपए का आएगा। वो स्पीड सेंसर अगर खराब हो जाता है तो ये दिक्कत आती है, ऐसी दिक्कतें आती हैं कि आपकी जो पावर स्टीयरिंग है वो एक तो हैवी हो जाएगी, और आपका स्पीडोमीटर जो है स्पीडोमीटर काम करना बंद कर देगा, और आपके जो डोर लॉक्स हैं बेसिकली, ठीक है, जो सेंट्रल लॉकिंग है वो जो स्पीड सेंसर के अकॉर्डिंग वो लॉक नहीं होंगे दरवाजे, ठीक है, तो ये तीन चीजें हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपकी भी गाड़ी में कभी चलते हुए ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपकी जो है पावर जो स्टीयरिंग है वो हैवी हो जाए, पावर स्टीयरिंग काम करना बंद कर दे, आपका स्पीडोमीटर काम करना बंद कर दे, और आपके जो डोर्स हैं जो अपने आप कुछ स्पीड पकड़ते ही लॉक हो जाते थे वो लॉक ना हो, तो समझ जाइए कि आपकी गाड़ी का जो इंजन में जो स्पीड सेंसर लगा होता है उसमें दिक्कत आ गई है, ठीक है फ्रेंड्स। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं तब तक जो है सीएनजी भरवा लेता हूँ जरा गाड़ी में, सीएनजी खत्म हो गई है मेरी गाड़ी की, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।